जय श्री कृष्णा दोस्तों, जायका ज़िंदगी का में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइनीज़ फ्राइड राइस की रेसिपी। ये अपने आप में एक फुल मील है, क्योंकि इसमें आप जितनी जी चाहे उतनी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं और ये सभी को बहुत पसंद आती है। ये बन भी बहुत जल्दी से जाती है, बहुत ईजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी होती है। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल कुक्ड राइस लिए हैं। अगर आपके पास बचे हुए चावल हों तो आप लेफ़्ट ओवर राइस से भी इसको बना सकते हैं। यहाँ मैंने जीरा राइस लिए हैं। एक कटोरी बंद गोभी, एक कटोरी गाजर और एक शिमला मिर्च लेकर उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। दो प्याज और 10-12 कलियाँ लहसुन की लेकर उनको भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ ही मैंने 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1.5 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच वाइट विनेगर लिया है। 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच अजीनोमोटो लिया है। अगर आपने चावलों में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है तो आप नमक कम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। अब हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और उसमें 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम इसमें चॉप गार्लिक ऐड करेंगे। इसे हम हल्का सा सौते कर लेंगे, हमें इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। गार्लिक अब हल्का सौते हो चुका है, अब हम इसमें चॉप अनियन ऐड कर देंगे और इसे भी हमें हल्का सा फ्राई करना है। इसे भी हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। प्याज भी अब हल्के फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें चॉप गाजर डाल देंगे। सभी सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है और किसी भी सब्जी को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ज़्यादा नहीं पकाना। सब्जियां हमें हल्की क्रंची ही चाहिए। अब हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। इन्हें भी हमें हल्का सा सौते करना है। सब्जियां अब सौते हो चुकी हैं, अब हम इनमें सॉसेस ऐड कर देंगे। सोया सॉस, चिली सॉस, वाइट विनेगर और साथ ही हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, अजीनोमोटो। इन सभी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब साथ ही हम इसमें पके हुए चावल भी ऐड कर देंगे और इसे हम सभी सब्जियों के साथ और सॉसेस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारी कुकिंग हमें हाई फ्लेम पर ही करनी है। अब हमने राइस को सभी सब्जियों के साथ और सॉसेस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हमारे फ्राइड राइस अब तैयार हैं। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये लीजिए, हमारे फ्राइड राइस खाने के लिए एकदम तैयार हैं। आपने देखा ये कितनी जल्दी से बन गए हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। आप भी फ्राइड राइस ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।